मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग अपनी क्लास से एक एक्टिविटी करा रहे हैं। वैसे ये एक्टिविटी आपने क्लास 3 में करनी चाहिए थी या की होगी, आई डोंट नो, मुझे आप अभी मिले हैं। बट ये एक्टिविटी मुझे अच्छी लगी कि आप बच्चों को मैं इस एक्टिविटी से रूबरू कराऊं फिर से एक बार। अगर रिविजन भी हो रहा है तो देन टू इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम आपको डिफरेंट प्लांट्स के पास लेके जाएंगे और आप उनकी बार्क को, उनकी जो ऊपर की कवरिंग है उसको आप ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद यू विल फाइंड आउट कि आपकी, आपने जो ट्रेसिंग की है उस प्लांट की जो बार्क है वो स्मूथ है या रफ है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग जब लास्ट में रिजल्ट देखेंगे तब हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू योर एक्टिविटी एंड देन वी विल कंप्लीट। हाँ, हर बॉक्स में आप पेज बना लेंगे तो इट विल लुक नाइस। आपको समझ में आ गया कि आपको कितने बॉक्स में इसको करना है। आराम से कीजिए, डू इट प्रॉपरली। हाँ, मैम इतना करना है। हाँ, आप इस और करिए बेटा, और करिए इसको। हाँ, और अच्छे से करके देखिए। अब आप इसके जो ट्रेसिंग करें इसमें, इसका इस प्लांट का नाम और ये लिखेंगे अपना एक्सपीरियंस कि ये स्मूथ है इसका बार्क कि ये रफ है। आपको जो मिल रहा है आप उसमें लिखिए, ये स्मूथ है कि रफ है। अब इसमें नाम नोट कर लीजिए कि आपने जो रिकॉर्ड वो किया है, ट्रेसिंग की है, उस प्लांट का नाम क्या है। तो अब आप लोग पीपल ट्री का ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ टेल मी ये कौन सा ट्री है। तो आंवला का आप कर रहे हैं, ठीक है, आंवला कीजिए। आंवले का जो आपने देखा है इसका रफ है कि स्मूद है। स्मूद है, रफ है, रफ है, ओके। आप बताइए स्मूद आपको टच करके कैसा लग रहा है। स्मूद है ये, स्मूद है, ठीक है। जी बताते हैं इसको करके दिखाइए बेटा। करके पेड़ का नाम बता रही हूँ। और ये पाम है, ये पाम, इसको लिखिए PALM पाम। ये स्मूथ है, ये स्मूथ है ना। यस मैम। ओके, दो तरीके की बाग हमने अभी फील की। यस मैम। कैसी मैम? स्मूथ एंड रफ। रफ, लेकिन हो गया, वेरी गुड। तो बहुत सारे प्लांट्स में रफ आपको मिल रही है और बहुत कम प्लांट्स हैं जिसमें हमको स्मूथ मिली है, है ना। तो बार्क जो है वो प्लांट की ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है और सब जितने भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, चाहे टर्माइट्स हो, चाहे चीटी हो, चाहे बाहर का वेदर हो, ठीक है। तो इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द प्लांट, ठीक है। तो दो चीजें सीखी, बार्क क्या होती है, दूसरा बार्क कितने टाइप्स की हम फील कर सकते हैं, और तीसरा हमने सीखा कि बार्क से प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। अच्छा लगा, थैंक यू।